तो हमने पहले ही कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए, ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे कहते ना भाई कि आपका बतवा नहीं माना, अरे तो आप लोग देख रहे थे कहते ना भाई कि आपका बतवा नहीं माना, अरे तो आप लोग देख रहे थे कहते ना भाई कि आपका बतवा नहीं माना। ये जो अभी हमसे आप पूछ लिए, तो ये शिक्षकों के बारे में वो डिपार्टमेंट में उसने कर दिया था कि 9 बजे से 5 बजे, तो हमने पहले ही कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए, ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे कहते ना भाई कि आपका बतवा नहीं माना, अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे कहते, क्यों नहीं सुना तो उसी समय हम करते, अगर अभी नहीं सुना है आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे, और जो बात है पहले से यही तो हम शुरू से बोलते। अरे अरे हम अरे बैठे ना भाई, महबूब साहब हम बैठ जाइए, महबूब साहब सत्यदेव जी बैठिए, बैठ जाइए। अरे हम भी तो पढ़ते थे ना भाई, बैठिए। तो जो तरीका है ये भला बताइए, 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक ये ठीक नहीं है, ये अगर गलत किया है उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। बैठ जाइए यार, आपने आपने बता दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, आपसे आके हम पूछिए, आज ही हम बात कर लेंगे, सुन रहे तो सुन कर लीजिए, आज ही हम कर लेते। बैठिए बैठिए महबूब साहब, बैठिए, सुनिए, बैठ जाइए, बैठ ली, अरे भाई बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। महबूब साहब आपको तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए कि जो सवाल सत्यदेव जी वगैरह उठा रहे हैं उसकी पूर्ति करने का काम किया हूं। आया हुआ है। हाँ, पूरा तो कुछ दीजिए। जिस तरह से बीपीएससी के शिक्षक के संबंध में कहा है, नियोजित शिक्षक के संबंध में कोई उत्तर नहीं है, तो माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि नियोजित शिक्षक के बारे में भी उत्तर में स्पष्ट नहीं है। वो सही कह रहे हैं कि ये जो 730 दिन जो मातृत्व से लेके शिशुपालन अवकाश मिलता है वो सरकारी कर्मियों को ही देय होता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियोजित शिक्षकों के सरकारी शिक्षक होने का रास्ता भी बना ही दिया है, ये लोग भी सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। हमने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि जो सरकारी शिक्षक हैं उनको 730 दिन का जो मातृत्व से लेके शिशु देखभाल अवकाश मिल रहा है, बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को भी मिल रहा है, और नियोजित शिक्षक जैसे ही सरकारी शिक्षक हो जाएंगे उनको भी उपलब्ध हो जाए। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री अचमित ऋषिदेव माननीय